तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट झारखंड के द्वारा यहाँ पे जो है री एडवर्टाइजमेंट की एक शॉर्ट नोटिस यहाँ पे जो है जारी की गई थी, तो उसका यहाँ पे जो है फुल नोटिफिकेशंस, यहाँ पे फुल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जो है निकाली गई है। रिसेंटली में जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर प्रकाशित की गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे कि जो पोस्ट नेम आपको यहाँ पे दिख रही होगी, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट है। दोनों पोस्ट में जो है एक एक सीटें यहाँ पे जो है निकाली गई है, कॉन्टैक्ट बेसिस पे यहाँ पे जो है निकाली गई है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे दी जा रही है, तो पोस्ट में आप देख पा रहे कि यहाँ पे सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है। इसमें अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको 50,000 यहाँ पर मंथ सैलरी यहाँ पर दी जा रही है। एंड जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट के लिए, तो अगर आपने बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में, या फिर अगर आईटी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट में, या फिर एमसीए, एमएससी, आईटी, इन सब के क्षेत्र में अगर आपने बीई बीटेक, एमएससी या फिर एमएससी कर रखे होंगे, तो आप जो है सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस यहाँ पे मिनिमम 4 ईयर्स की जो है पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस यहाँ पे ली जा रही है। टेक्निकल स्किल के तौर पे जो है आपको एक्सपीरियंस इन जावा, नेट, पाइथन, एमपीसी, आर्किटेक्चर्स, डाटाबेस, ये सब की जो है आपके टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे जो है होनी चाहिए, ठीक है। जॉब के डिस्क्रिप्शंस आपके कोडिंग एंड डेवलपमेंट के पोर्टल के थ्रू जो है आपका यहाँ पे होने वाली है। सेकेंड जो पोस्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट है, इसमें भी एक सीट है। अगर आप इसमें सिलेक्टेड होते हैं तो उनको 35,000 आपको पर मंथ सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। क्वालिफिकेशंस आपका यहाँ पे जो है दोनों पोस्ट के लिए सेम यहाँ पे रखी गई है। टेक्निकल स्किल्स भी सेम रखी गई है, जॉब के डिस्क्रिप्शंस भी आपका यहाँ पे जो है सेम रखी गई है। ओनली एक्सपीरियंस जो है सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए यहाँ पे जो है 4 ईयर्स थी, और इसमें जो है 2 ईयर्स की यहाँ पे जो है रिलेवेंट फील्ड में जो है पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ठीक है। तो डोमिसाइल यहाँ पे जो है, अगर आप झारखंड के स्थायी निवासी होंगे तो आप इसमें एलिजिबल हैं। एज की जो लिमिट यहाँ पे रखी गई है, तो अनरिजर्व की कैटेगरी के लिए यहाँ पे मिनिमम 21 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है, एंड मैक्सिमम जो है 35 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। एंड जो लोग रिजर्व के कैटेगरी से होंगे उन सभी के लिए भी जो है मिनिमम 21 ईयर्स यहाँ पे एज की क्राइटेरिया है, एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स जो है इसके लिए रखी गई है। कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड यहाँ पर जो बतलाई गई है, तो मिनिमम आपका यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में 2 ईयर्स की यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको यहाँ पर रखी जाएगी। देन जैसे आपके यहाँ पे वर्क में एक्सपीरियंस होती है, जैसा आपको यहाँ पे वर्क में परफॉर्मेंस होती है, उसके अंतर्गत यहाँ पे जो है एक्सटेंड की जाएगी। इसमें आपका किसी भी प्रकार की जो है एप्लीकेशंस फ़ी भी यहाँ पे नहीं ली जाएगी। तो आप इस फॉर्म को आवेदन कैसे कर पाएंगे, तो आवेदन करने के लिए देख पा रहे कि जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर दी गई है, जो http://apply-rdd-jharkhand.gov.in, तो इसमें जाकर जो है आप इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप वहां से भी जाकर जो है इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट यहां पे देख पा रहे कि जो इस फॉर्म को भरने की यहां पे लास्ट डेट यहां पे जो रखी गई है, ऑनलाइन अप्लीकेशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 18 अगस्त 2021 से लेकर 3 सेप्टेम्बर 2021 इसका यहाँ पर कर दी गई है। तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो 3 सेप्टेम्बर 2021 मिडनाइट के बीच में जो है आप इस फॉर्म को आवेदन कर